शिवपुरी देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर घर के सामने लड़कों को बैठाने से मना करने पर पड़ोसी ने 1012 लड़कों के साथ मिलकर एक दंपत्ति पर हमला बोल दिया। मारपीट की इस घटना में पति पत्नी के साथ उनका पुत्र भी घायल हुआ है। पीड़ित इर्दीश खान ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर घर के सामने लड़कों को बैठाने से मना करने पर पड़ोसी मोइन खान, सईद खान और आबिद खान ने उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज कर दी। जब 10-12 लड़कों के साथ मिलकर एक दंपत्ति पर हमला बोल दिया। मारपीट की इस घटना में पति पत्नी के साथ उनका पुत्र भी घायल हुआ है। पीड़ित इंद्रेश खान ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर घर के सामने लड़कों को बैठाने से मना करने पर पड़ोसी मोइन खान, सईद खान और आबिद खान ने उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज कर दी। जब इस बात का विरोध उसने किया तो मोइन खान ने 10-12 लड़कों के साथ मिलकर तलवार से हमला कर उससे उसकी पत्नी साइना और बेटे अरशान को घायल कर दिया। पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट दीना थाना पहुंचकर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण जांच में ले लिया है। मोनू नामदेव, शिवपुरी। क्या नाम है? इदरीस खान। कहाँ से आए? पुरानी शिवपुरी। ये क्या कुछ घटना थी? जैसे इसको गालियां दे रहे थे माँ बहन जी। कौन? हम मोइन खान, सईद खान और आबिद खान। ये विवाद क्यों? घर के सामने लड़के बढ़ा लेते हैं, रोज रोज का काम है इनका, एक दिन का काम नहीं है। हमारी बहन बेटियों से रोज कहते हैं हटा, तब हमारे बाप का घर तुम्हारा है क्या? ऐसी बढ़ा लेंगे। माँ विवाद हुआ, लड़के गाली देने लगे ना उनकी माँ बहन की, इसको पटक लो आज की। किस चीज से हमला? मेरे ऊपर तलवार मारी, इनने मेरी हथेली फट गई, मेरे से इसके पैर फ्रैक्चर हो गया। कितने लोग थे? 10-12 जने। अरसान खान, शाइना खान, इदरीस खान।